नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। तो चलिए आज के बिहार के 15 बड़ी खबरों को जानते हैं। तो आज हम जानेंगे बिहार में कोरोना अपडेट, साथ ही जानेंगे राज्य के किन किन जिलों में अगले 48 घंटे तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 12वीं पास छात्रा को 25,000 और ग्रेजुएट होने पर 50,000 सरकार देगी। राज्य के विभिन्न परीक्षाओं के बारे में, साथ ही जानेंगे नवोदय विद्यालय में आप कब से आवेदन कर सकते हैं। हवाई जहाज से यात्रा करने वालों यात्रियों के लिए एक खुशखबरी, साथ ही राज्य में बाढ़ की स्थिति, विधानसभा चुनाव की नई तारीख, वोटर कार्ड को लेकर कुछ महत्वपूर्ण समाचार, कौन से नए ट्रेन खुलने को लेकर समाचार, और फिर साथ में जानेंगे कि 65 साल से उम्र मतदाताओं को मतदान करने के लिए किन किन सुविधाएं दी जाएगी। तो फटाफट से सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, और साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे, और अपने तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दे। तो आइए बात करते हैं राज्य में कोरोना अपडेट को लेकर। तो राज्य में पिछले 24 घंटों में 1632 नए कोरोना के मरीज पाए गए हैं। आपको बता दें कि राज्य में रिकवरी रेट अभी 91.64% चल रही है। कोरोना से संक्रमित हुए मरीज पिछले 24 घंटों में 1154 स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं, और वे पिछले 24 घंटों में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमण मरीजों की संख्या बढ़कर 1,75,998 हो गई है। वहीं अब तक 1,59,700 लोग ठीक हो चुके हैं। राज्य में फिलहाल कुल एक्टिव केस 15,319 है, और कोरोना से अब तक कुल 878 की मृत्यु हो चुकी है। राज्य के छात्राओं के लिए बहुत बड़ी एक खुशखबरी सामने आ रही है। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में अब 12वीं पास करने वाले छात्राओं को 25,000 और ग्रेजुएट होने पर छात्राओं को 50,000 रुपये देगी। इसके अलावा नीतीश कुमार ने कहा कि हम कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक नया विभाग बनाएंगे, ITI और पॉलिटेक्निक संस्थान इसके अंतर्गत आएंगे। हम उन लोगों को आर्थिक मदद करेंगे जो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। वहीं CM नीतीश कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा की गई बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा का हम स्वागत करते हैं। तो अगली बड़ी खबर, आखिरकार बिहार में चुनाव का ऐलान हो ही गया। 243 सीटों पर 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को वोटिंग होगी। 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। इसकी घोषणा करने शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा मीडिया के सामने आए। तीनों फेज की बात करें तो पहला फेज में बुधवार 28 अक्टूबर को 71 सीटों पर वोटिंग होगी। इसके लिए 31,000 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। दूसरे फेज में मंगलवार 3 नवंबर को 94 सीटों पर वोटिंग होगी। इसके लिए 42,000 पोलिंग बूथ होंगे। और तीसरे फेज में शनिवार 7 नवंबर को 78 सीटों पर मतदान होगा। इसके लिए 33,500 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। तो बिहार में 38 जिलों में कहां किस तारीख को वोटिंग होगी, इसको हम विस्तार से जानते हैं। आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव को 3 चरणों में किया जाएगा। चुनाव आयोग ने बताया कि पहले चरण में भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार जिलों में चुनाव होंगे। वहीं पहले फेज का चुनाव 28 अक्टूबर को होगा, जिसके लिए 1 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। वहीं आयोग के मुताबिक दूसरे चरण में मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा जिले में चुनाव होंगे। दूसरे फेज का चुनाव 3 नवंबर को होगा। वहीं चुनाव आयोग ने बताया कि तीसरे चरण का चुनाव 7 नवंबर को होगा, जिसमें जहानाबाद, अरवल, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर और रोहतास जिले में चुनाव होंगे। वहीं रिजल्ट 10 नवंबर को जारी किया जाएगा। तो बिहार में चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक पार्टियों में हलचल तेज हो गई है। तारीखों का ऐलान होते ही राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट करके लिखा, उठो बिहारी, करो तैयारी, जनता का शासन अब की बारी। उन्होंने आगे लिखा, बिहार में बदलाव होगा, अफसर राज खत्म होगा, अब जनता का राज होगा। आपको बता दें कि लालू यादव फिलहाल रांची के केंद्रीय कारागार में बंद है। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के कुछ घंटों बाद ही बिहार विधान परिषद की खाली 8 सीटों के लिए भी मतदान की तिथि की घोषणा कर दी गई है। विधान परिषद के ये चुनाव मई जून में ही होने वाले थे, लेकिन कोरोना के चलते इन्हें स्थगित कर दिया गया था। शुक्रवार को बिहार निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को प्रेस रिलीज जारी कर दिया। बताया कि बिहार स्नातक और शिक्षक विधान परिषद की खाली पड़ी 4-4 सीटों के लिए चुनाव 22 अक्टूबर को होंगे।
तो बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया में 65 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए पोस्टल बैलेट के प्रावधान का निर्णय लिया गया था। हालांकि चुनाव आयोग ने इस निर्णय को बदल दिया है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को पोलिंग बूथ पर आने से रोकना था ताकि उनमें कोविड के संक्रमण का खतरा न हो। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कल चुनाव की तारीखों का ऐलान करते वक्त इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विभिन्न राजनीतिक दलों और निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारियों का मत सुनने के बाद ही हमें निर्णय बदलना पड़ा। अरोड़ा ने बताया कि फिलहाल 80 वर्ष से अधिक उम्र वाले मतदाता को ही पोस्टल बैलेट से मतदान करने की सुविधा दी जाएगी। दूसरी पार्टियां जहां अपना घोषणा पत्र और विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए लोगों से फीडबैक ले रही है, इसी बीच पप्पू यादव ने गुरुवार को अपना प्रतिज्ञा पत्र जारी कर दिया। आइए जानते हैं उनके प्रतिज्ञा पत्र में क्या क्या शामिल है। तो सबसे पहला, लड़कियों की शादी के लिए 10 लाख रुपए तक लोन, उसमें कोई ब्याज नहीं लगेंगे। हर महीने 28 तारीख को गरीबों को आलू प्याज चावल और सरसों तेल दी जाएगी। बेटियों से छेड़खानी करने पर उसे तुरंत जेल भिजवाया जाएगा। भूमिहीन परिवार को मुफ्त में इलाज मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनेगा। 1,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाने का वादा किया गया है। इन्वेस्टमेंट करने वाले कंपनियों को 4 महीने के अंदर जमीन दिलाने का वादा किया गया है। सीमांचल के अंदर फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाने का वादा किया गया है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हब बनाने का वादा किया गया है। बिहार को 2 साल के अंदर शिक्षा का हब बनाने का वादा किया गया। इसी तरह के बहुत सारे वादे किए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को ऐलान कर दिया कि इस बार वे 7 निश्चय पार्ट 2 लेकर जनता के बीच जाएंगे और सरकार बनते ही अगले 5 सालों में 7 नए प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा। नीतीश ने कहा कि 2015 के विधानसभा चुनाव में हमने जनता से 7 निश्चय का वादा किया था और इस बार फिर 7 नए प्लान का काम शुरू करेंगे। 7 निश्चय पार्ट के ज़्यादा काम पूरे हो गए हैं। कोरोना की वजह से थोड़ी देरी हुई, लेकिन अगले कुछ महीनों के अंदर सारे काम पूरे कर लिए जाएंगे। कोरोना काल में ट्रेन से सफ़र करने वालों के लिए खुशखबरी है। आप ट्रेनों के परिचालन को लेकर इंतजार कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। साहिबगंज से जमालपुर के लिए आज 26 सितंबर को ट्रेन खुल रही है। 1 अक्टूबर से फरक्का एक्सप्रेस मालदा से दिल्ली के लिए रवाना होगी। ट्रेन से सफ़र करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर आई है। साहिबगंज से ये ट्रेन सुबह 7:05 खुलेगी और जमालपुर से 4:30 ये ट्रेन खुलेगी। चुनाव नागरिकों का लोकतांत्रिक अधिकार है, इसके जरिए वे अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। इसके लिए वोटर कार्ड की जरूरत पड़ती है। आपका वोटर आई कार्ड महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह सिर्फ मतदान के लिए वोट देने में ही आपकी मदद नहीं करता, बल्कि पते और पहचान के सबूत के रूप में भी बैंक, म्यूचुअल फंड, बिजली, टेलीफोन कनेक्शन आदि में इसकी जरूरत पड़ती है। अगर आपके पास वोटर कार्ड नहीं है या अपने मौजूदा वोटर कार्ड में कोई सुधार करवाना चाहते हैं तो हम आपको बता रहे हैं इसे बनवाने का आसान तरीका। राज्य की वोटर लिस्ट में अगर आपको अपना नाम दर्ज करवाना है या अपने वोटर कार्ड में किसी गलती को सुधरवाना है तो चुनाव कार्यालय के चक्कर नहीं काटने होंगे। वोटर आईडी कार्ड का सुधार काम आप घर बैठे इंटरनेट की मदद से आप कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसे आप आसानी से ऑनलाइन प्रक्रिया के द्वारा इसे आप अपना वोटर आईडी कार्ड बना सकते हो और उसमें सुधार भी कर सकते हैं। बिहार में मानसून ने बड़े जोरदार अंदाज में न सिर्फ दस्तक दी है बल्कि अगले कुछ दिनों तक यूं ही बने रहने का संकेत भी दे दिया है। मौसम विभाग ने बिहार में अगले 48 घंटे तक अलर्ट जारी किया है। विभाग का मानना है कि अगले 2 दिन तक मध्यम और भारी बारिश के पूर्वानुमान है। इसको लेकर 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सिवान, गोपालगंज, सीतामढ़ी, सुपौल, दरभंगा, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, समस्तीपुर, कटिहार, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर में भारी बारिश का अलर्ट है। पिछले 24 घंटों में बिहार में जोरदार बारिश देखी गई है। तो राज्य में हाईकोर्ट के आदेश के बाद आखिरकार बिहार ओपन बोर्ड के छात्रों की परीक्षाओं के लिए मंजूरी मिल गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने ओपन बोर्ड की परीक्षाओं की तिथि निर्धारित करते हुए डीईओ को परीक्षा केंद्र पर तैयारी का निर्देश दिया है। ओपन बोर्ड की ओर से केंद्रों की सूची भी जारी कर दी गई है। परीक्षा 3 अक्टूबर से होगी जो 17 अक्टूबर तक चलेगी। रिजल्ट तिथि 10 नवम्बर निर्धारित की गई है। ओपन बोर्ड के माध्यम से मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं कराई जाती है। इसमें सीबीएसई समेत बोर्ड के फेल हुए छात्रों के साथ ही किसी भी उम्र के अभ्यर्थी मैट्रिक इंटर में नामांकन ले सकते हैं।
अगर आप अपना भाई बहन बेटा बेटी किसी का भी नामांकन नवोदय विद्यालय में करवाना चाहते हैं तो आपके लिए एक बड़ी खबर है। जी हां, सत्र 21-22 में नामांकन को लेकर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा 10 अप्रैल को होगी। जवाहर नवोदय विद्यालय समिति की ओर से शुक्रवार को परीक्षा की तिथि के साथ ही फॉर्म भरने की प्रक्रिया को लेकर भी गाइडलाइन जारी कर दिया है। प्रवेश परीक्षा को लेकर 30 नवंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। मुजफ्फरपुर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य सचित ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन भरा जाएगा। कक्षा 5वीं में पढ़ने वाले छात्र इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कक्षा 6 में निर्धारित 80 सीटों में 75% सीटें ग्रामीण बच्चों के लिए आरक्षित रहती है। अगर इसके बारे में आपको और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। और अगर अंत में राज्य में बाढ़ की स्थिति की बात करें तो सारण के पूर्वी क्षेत्र में स्थित गंडक नदी के किनारे के आधा दर्जन प्रखंडों में एक बार फिर से भारी बारिश के साथ साथ नेपाल द्वारा वाल्मीकि नगर बराज से 3.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के कारण बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता विनोद कुमार के अनुसार नेपाल द्वारा 3.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के कारण शनिवार के दोपहर के बाद गंडक नदी का जलस्तर 1 मीटर बढ़ने की भावना है। ऐसी स्थिति में जल स्तर बढ़ने को लेकर विभागीय व जिला प्रशासन के निर्देश के अनुसार तटबंधों की निगरानी व सुरक्षात्मक उपाय किए जा रहे हैं। वहीं जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मौसम विभाग द्वारा 27 सितंबर तक भारी बारिश और वज्रपात की आशंका के मद्देनजर प्रखंड स्तर पर पदाधिकारियों द्वारा आमजनों को जल जमाव और बाढ़ से बचाव के लिए जागरूक करने के साथ साथ सुरक्षात्मक उपाय का निर्देश स्थानीय पदाधिकारी को दिया गया है। तो इसी के साथ ही आज के समाचार में इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बिहारी मीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें।